गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो यार व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, वो मैं तकरीबन जो मैं गेट नमाज के टाइम शुरू कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि आले यार नचना तो नच नहीं और नच आला आला सारे आम नच 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 बाकी यार। हाँ भाई दही भले लेके जा रहा है मुझे यार, ला कटोरी ला पक्की बात है, ले गया हूँ कटोरी सोच ले गया तू, ये मुझे ऐसी दे देना चापर में ही ले दे दे यार, कुछ नहीं होता। मैं तो दे रहा हूँ कटोरी ला, कटोरी इतने इतने से दही बल्ले हैं, कटोरी में आ जाएंगे पूरे। नहीं यार मुझे दे दे यार, मुझे दे दे भाई, नहीं कटोरी ले गया, दे दे यार, दे दे यार, कटोरी ले गया कटोरी। बाकी यार ये चेक कर सकते हो उस्मान को, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। खट्टे ये भी लपाड़ू आया हुआ है, इसको तो आप जानते होंगे, ये मैं मामू का बेटा, बहुत बड़ा व्लॉग कर रहा है, जानते हैं जैसा भी हूँ। ये चेक करो यार, गली के बच्चों का हाल चेक करो, इधर मारिए जोर जोर से लाते हैं, जोर जोर से लाते मार के तो आपसे मिलता हूँ यार। मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, बाकी ये कहता जी मुझे ब्लॉग में ले लो, हम जैसे गरीब लोगों को ब्लॉग में ले लो, ले लिया भाई आपको ब्लॉग में, मैं जैसे बड़ा अमीर हूँ ये ऐसे कर रहा है, गुड गुड। तो अभी जो हम सर जी नमाज पे जा रहे हैं, चुप कर बे कुत्ते, नमाज पे जाके मस्तियाँ ना करना पहली बता रहा हूँ, बाकी वो सीधा नाना को जा रहे हैं। तो यार अभी जो सर जी नमाज पढ़ के फिर मैं आपसे मिलता हूँ यार, नमाज पढ़ के आ गए थे और उसके बाद अभी जो सर खाना वगैरह खा रहे हैं, खाने में बनी है जी पुलाव बना हुआ है, साथ में समोसियाँ जो कि तैयबू के घर सॉरी तैयबू की दुकान से आई हैं आज, 12 रुपये लोगों ने ख़त्म दिलाया था इसीलिए। तो चेक करते हैं खाना पहले कैसा है, बहुत ज़्यादा का तो खा के फिर माफ। तो यार ये हम खाना वगैरह खाने गए हुए थे, मेरे दोस्त थे और मैं था, तो खा के यार मैंने मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका था, मैं गया हुआ था खाने के लिए और मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, बाकी यार चेक कर सकते हैं। अभी अभी हम घर पे आ गए हैं और तो और अभी जो सर जी हम खड़े हैं जी, एक ये दोस्त है जो कि बैठा हुआ है, बाकी ये हम खेल रहे हैं जी, अभी रैकेट शटल खेल रहे थे कि शटल जो सी है ना वो मेरा बड़ा छोटा भाई लेके भाग गया है, वो इसलिए क्योंकि क्या हो गया है, क्यों हंस रहे हो भाई, क्यों हंस रहे हो, बस यार अच्छा लोग ना मैंने काफ़ी नोट किया है कि ना जब मैं कैमरा ऐसे ऑन करता हूँ ना काफ़ी लोग हंसते हैं, तो मैं आज अपने एक दोस्त से पूछूंगा कि वो क्यों हंसते हैं। इधर आओ यार बताओ तो सही यार, बाय बाय, नहीं बता दो तुम बता दो यार, लोग ऐसे समझते जैसे मैं पता नहीं इसलिए विजय कह रहा था अपना बड़ा बगैरत इंसान है, तो यार मैं भी आपसे देखता हूँ, मेरे दोस्त ऐसे शर्माते हैं जैसे कि लड़कियां शर्माती हैं, तो अभी मैं अपने ये वाले दोस्त को पकड़ लिया है। तो यार अभी जो से हम खेल रहे थे, बाकी यार हाँ सुना और क्या हाल चाल है तेरा, अल्लाह का शुक्र है यार, आज तो 12 रबीउल अव्वल थी, मैंने कहा था कि मैं भी लोग अच्छा बनाऊंगा, जाऊंगा दिखाऊंगा गलियां वगैरह, लेकिन इस बार कोई इतनी खास गलियां नहीं सजी, तो मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि वो गया था कि नहीं गया, तू गया था, नहीं यार गलियां ही नहीं सजी ना, मैंने कहा था कि मैं आपको मतलब दिखाऊंगा गलियां वगैरह, बस एक मौलवी यूसुफ की मस्जिद सजी हुई है, मैंने अपने एक व्लॉग में मतलब वीडियो बनाई है उसकी, और तो और अभी यार करना क्या है, सुबह से रात हो गई है, सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद भूल गया, फिर अब दोबारा व्लॉग बना रहा हूँ, तो अभी तो यार गली मतलब मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया, पता नहीं मैं आपको किस तरह की बातें कर रहा हूँ यार, तू कोई बात तो बता यार, कोई फनी बात बता यार, क्या यार फनी बात? लोगों को बता तो सही यार कुछ, तो क्या बताना यार, लोग तो खुद पागल हुए लोग खुद ही पागल हुए हैं। तो यार अभी जो होता है आपको तो पता है कि आई फ्लू हुआ है जिसकी वजह से आई फ्लू हुआ तो और क्या हुआ, अच्छा तो चल तू बता दे क्या बताऊं यार, बता ना मकसद इसका, बता मैंने कोई गलत बात किया, बता मैंने कोई गलत बात किया, तो यार अभी जो है मेरा दोस्त बताएगा कि जो वायरस फैला हुआ है उसका क्या नाम है, इधर आ तो सही बता तो सही यार, क्या बताना यार, तो बता आई फ्लू क्या है, मुझे बता तो सही क्या है, डॉक्टर के बेटे आप हो, मैं किस तरह बता दूं, तो मुझे लगा शायद आप हंस रहे हो मेरी बात पे कि मैं कोई ऐसी बात कर दी है कि मतलब वो उसका वर्ड ही नहीं बनता, तो इसीलिए छुट्टियां, तो अभी कोई भी नहीं है गली पे, बस 2-4 बच्चे थे, वो भी अभी जो सर जी उस्मान साहब इतना चीटर इंसान है कि उसका उसका स्मार्ट वॉच लेके आयो, दुबई से आया मेरे चाचू वो लेके, अच्छा कितने की लेके आए हैं दुबई से, वो 30 दिरहम लेके आए, मतलब इधर कहते हैं बड़ी सस्ती है यार, 30 दिरहम 3500 की आई है, मुझे दे दे यार उतार दे यार, मुझे दे दे यार, हेलो 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 दे दे यार, दे दे यार दे दे
यार ये खब तीस धर्म की यार सस्ती पड़ गई है यार, बहुत बहुत अच्छी है, दिखाई जरा। तीस धर्म ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसी चुटकियों में आ जाते हैं। तीस धर्म तो हमारे यहाँ पे फकीरों को मिलते हैं भाई, से कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ क्यों भाई बता, हमारे फकीर आते ना यहाँ पे तो हम 30 धर्म देते हैं उनको, बताता नहीं है यार। पाकिस्तानी बंदे हो तुम, हाँ पाकिस्तानी है, बड़े अमीर है। एक धर्म तकरीबन मेरे ख्याल में 80 रुपए का होगा ना, हाँ 80 रुपए का एक धर्म है, 100 रुपए का कहाँ से है, चलो महंगाई होगी, चलो 100 रुपए लगा ले, फिर भी 30 धर्म कुछ ज्यादा तो नहीं बनते। तो यार अभी जो है यार मेरे मामा 1-2 हाँ मेरे अबू हैं जो कि 1-2 नहीं खरीद रहे, कहाँ खरीद रहे हैं, कहाँ खरीद रहे हैं यार। दरअसल बड़ा भाई जो है उसको शौक पड़ा हुआ कि जी मैं मोटरसाइकिल लेना है, पैसे है नहीं, हालात का तो आपको पता है, मैं ये बात आपसे करूँगा कि भाई हाँ बाकी में हालात काफ़ी ख़राब है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के साथ साथ हम सब के हालात ख़राब हैं। बाकी ये चेक करो सी मोटरसाइकिल चला रहा है बड़े मज़े से, मैं और मेरा ये वाला दोस्त जो जी बैठे हुए हैं अभी करना क्या है, और बस रैकेट शटर खेलना था, तो उस्मान साहब जो से जी वो ले के भाग गए हैं रैकेट एंड चिड़ी, तो अभी यहाँ पे वेले बैठे हैं। आया चलो भाई, तो उसके घर से भी मैसेज आ गया कि चलो भाई आ जाओ घर पे, तो अभी टाइम तकरीबन कितना टाइम हो रहा होगा, 10 बज गए हैं। ये ना लाहौर है ना ये कराची है, यहाँ पे रात के 3-3, 4-4 बज जाते हैं। हाँ शादी का बाद है, तो यार अभी जोर सा यार Day 2 गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगले दिन की स्टार्टिंग होती है वो तकरीबन मेरे ख्याल से सुबह के 11 बजे शुरू कर रहा हूँ, और आप सोच रहे होंगे कि मैं किधर बैठा हुआ हूँ, तो मैं आज बैठा हुआ अभी अपने नाना के घर में, और हाँ बोले बोले और कुछ सामने बोल, आ बोल सही कहना चाहिए, गंदी बात होती है ना अरवा। और मुस्तफा आपका क्या हाल है, हाय स्टूडेंट्स, अरवा आज अरवा आपको एक सबक देगी, और आप देखिए जरा अरवा को, अरवा मुझे कब से कह रही है कि मेरी टीचर बनना है, आप ब्लॉग बनाओ और पब्लिक को दिखाओ कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, तो अरवा बकवास पढ़ाओ जरा पब्लिक को दिखाओ। आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ में कौन कौन रहते हैं, हम इंसान रहते हैं, भाई तुम भी रहते हो, वो तो हमें पता है कि हम इंसान रहते हैं, ये वॉल कैनो, तो ये वॉल कैनो पड़ता है जिसमें से आग निकलती है, और ये लावा निकलता है बेटा, लावा निकलता है बेटा, हां हां बॉम्ब्स भी हैं, और यहाँ पर इंसानों के रहने की जगह, जैसे यहाँ पर पौधे भी रहते हैं, यहाँ पर इंसान भी रहते हैं, जैसे ये इधर ये बाय द वे हरवा सॉरी टीचर, आपने जो फ्रेम लगाया हुआ है इसकी तो वो ही नहीं है जूस इसलिए मर जाता है, ऐसे कि बहुत खतरनाक है ये, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, इसकी तस्वीरें भी बनी हुई है, इसके यहाँ से खून भी निकल, बस पढ़ा के थक गई हो, बस यही लेक्चर था, ठीक है चलो तैयार हेलो गाइस इंडिया ना क्या है लाला वो देख रहे हैं इसीलिए चुप कर गए हैं सारे, इसीलिए बैठ गए, सबसे ज्यादा शोर ये कर रहा था, और ये अबराम से बैठ गया, वो सामने नाना बू खड़े थे इसलिए जो से ना सारे चुप कर गए। अब नाना बू जो से चले गए हैं, चेक कर सकते हैं, तो अब हो गए, बाकी यार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है, मुझे लगता है मेरा हुआ हैं, और नोमी साहब जो उनसे जी वो बैठे हुए हैं और अपना नाक वगैरह खा रहे हैं, नोमी जरा पब्लिक को खा कर दिखाओ कि नाक कैसे खा रहे हैं, नाक नहीं खा रही है पकड़ा, अच्छा सॉरी सॉरी, ये जो जूस लेता है तो इनकी जगह से खून निकलता है, और ये बहुत खतरनाक है, इसलिए हम
और ये पूरी बुक के खत्म होने के बाद ये तस्वीर आती है। अरे भाई बस करो, और कितना पढ़ाओगी? पढ़ाना तो देर तक ही होता है, हमारी क्लासों में इतनी हो जाती है, हमें पढ़ाई जाती है, भूख लगती है। एक्सक्यूज मी टीचर, आप मुझसे इंग्लिश में बात करें। मुझे इंग्लिश थोड़ी सी आती है। कितनी आती है मुझे ये बताओ जरा। यू आर शट अप टीचर। तू बोल, नाना बू आ जाएंगे फिर। नाना बू ने आके तो जूतियां मारनी है, पहले बता रहा हूँ। जूतियां तो तुझे बजेंगी। शोर तो तू कर रही है। चलो यार, तो भी अभी मैं उसे जाना। ये जंगली कैट है। यार मैं भी यार खाना वगैरह खा लिया मैंने, यार लोग नहीं बनाया बस नहीं किसे। यार मैं आपको कैसे बताऊं कि सारी फैमिली बैठा हुआ तो ऊपर से नाना भी जोन से है वो, आप तो जानते होंगे कि अपने नाना परदादा को अगर कोई सेल्फी भी ले ले तो भी बातें करते हैं, तो अभी मैं इसीलिए व्लॉग नहीं बना रहा था। और अभी जोन से जी हम बैठे हुए हैं इधर कमरे में। हाँ भाई क्या कर रहे हो? और वाह खाना मजे का था। आज खाने में था चने थे एंड उसका क्या कहते हैं यार, चाय थी और मछली थी और ये कांटा था और क्या था यार, मछली थी, मछली और भी बहुत कुछ था और शक्कर। ये क्या मुस्तफा, आपने घर पे हेलमेट लगा लिया है? मोटरसाइकिल चला रहे हो? मोटरसाइकिल चला रहे हो तो यार अभी जो है। और अरवा गाइस का कुछ कहना नहीं आ रहा। और गाइस आज का खाने में तो मजा ही आ गया। गाइस जो केस ने एक नुमाला लिया था, मैंने एक नुमाला नहीं लिया था गाइस, थोड़े से लिए फिर मैंने बस कर दिया नुमाला से, थोड़े से नुमाला लिए। मेरे नाना बोले शक्कर वाले बहुत मजे के बनाए, बिल्कुल चॉकलेट जैसे। आई लव यू नाना बू। आई लव माय नाना बू। नहीं आपके दादा। आई लव माय दादा बू। तेन बहुत ही दंदियां नहीं आंदी मडा आया तू। आई लव माय मदर एंड फादर। ये देखे आई लव माय फादर, आई लव माय मदर, आई लव माय सिस्टर। आज सारे कुछ खाने के बाद मीठे में जो सच मैंने आपको बताया था शक्कर बारी, ये देखें यार मैंने थोड़े से खा लिए, फिर मैंने बाद में ब्लॉग बना रहा हूँ शक्कर बारी और साथ में चाय है, तो ये खा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। यार सुबह से रात हो गई, दोपहर से रात हो गई और मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सका था इसलिए, क्योंकि यार फिर मैं सो गया था, सोने के बाद मगरिब हो गई, फिर खाना वगैरह खाया इसलिए व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सका। तो अभी जो है यार हम जा रहे हैं घर, तो अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।